बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सिबा इंटरमीडिएट कैटेगरी के पेपर्स हो रहे हैं, आपको पता है। तो आज 23 जून का जो पेपर है उसमें हम जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज़। तो एशिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो एशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक्स फ्लैग। तो ओलंपिक गेम्स का जो फ्लैग होता है उसमें टोटल 5 रिंग्स होते हैं। सी ऑप्शन राइट है, 3 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफिशियली इन। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। बी ऑप्शन राइट है, अक्टूबर 1945। देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नॉन परमानेंट 10 हैं। दी करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़। तो इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो रुपया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दी कैपिटल ऑफ मलेशिया, मलेशिया का कैपिटल जो है वो कोलालंपुर है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दी लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो ये पैसिफिक ओशन है। ए ऑप्शन इज राइट। विच फोर्ट ऑफ सिंध आल्सो नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। तो रानीकोट फोर्ट जो है, सी ऑप्शन जो है उसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध बोला जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एवरी ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिस ईयर ऑन पाकिस्तान डे प्रेजिडेंट आरिफ अलवी अवार्डेड निशान इम्तियाज़ टू फेमस स्पोर्ट्समैन। तो जानशेर खान और जहांगीर खान। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। PIA stands for Pakistan International Airlines. B option right है। Next question है, ICC Men's Cricket World Cup 2023 will be played in। तो इस साल जो World Cup होने जा रहा है वो इंडिया में होने जा रहा है। B option right है। Famous lake सैफुल मलूक is situated in। तो ये नारान में है। B option right है। How many stars are there in the flag of United States of America? तो अमेरिका का जो झंडा है उसके अंदर 50 स्टार्स हैं, जो कि अमेरिका की 50 रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम एवरीडे साइंस की तरफ। द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो हम जो कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो ब्रेन होता है हमारा, जो कि कमांड करता है पूरी बॉडी को। डी ऑप्शन राइट है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर इंटर्स द विंड पाइप इज कॉल्ड। तो उस विंड पाइप को बोला जाता है ट्रैकिया। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आ जाए जी, द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट इज। तो 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट होती है। बी ऑप्शन राइट है, 72 टाइम्स पर मिनट। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज। तो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है वो शुरू होता है अंडे से, एग, देन टैडपोल्स, देन फ्रॉगलेट, देन अडल्ट फ्रॉग। तो इसमें मेरे हिसाब से ए ऑप्शन ठीक होना चाहिए, टैडपोल, फिर आगे फ्रॉगलेट, फ्रॉग स्पैन और फ्रॉग हो जाता है। तो ए ऑप्शन राइट होना चाहिए, बहरहाल मुझे कंफर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा एक मरतबा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूज इन क्लस्टर। तो ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं। जो सी ऑप्शन है ना, पार्टिकल्स अरेंजमेंट इज़ नॉट रेगुलर, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। ये बात जो है, स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है लिक्विड्स के बारे में। पार्टिकल्स अरेंजमेंट इज़ नॉट रेगुलर, सी ऑप्शन इज़ राइट। The lightest gas which is used for filling party and advertisement balloons is। तो बैलून फिलिंग के लिए तो हीलियम गैस यूज़ की जाती है, उसके अलावा हाइड्रोजन भी यूज़ की जाती है। हाइड्रोजन भी काफ़ी लाइट होती है, हीलियम से भी लाइट होती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में उसने कहा जी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये बात ठीक है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बात भी ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी ठीक है। जो सी ऑप्शन है ना, मेटल्स आर डल एंड सॉफ्ट। जब कोई चीज़ सॉलिड होती है, ठोस होती है, तो वो सॉफ्ट नहीं हो सकती। आपको पता है ठोस चीज़ जो है वो सख्त होती है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो ये ठीक बन जाएगा हमारा। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है मेटल्स के बारे में। According to the World Health Organization, the industrial limit of sound in the industries must be, the right option is B, 75 decibels. When the moon and the sun are on the same side of earth, we see a, right option is B, new moon. Next question is, how much time the sunlight takes to reach on earth? तो 8 मिनट कुछ सेकेंड लगते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 मिनट। नेक्स्ट फिर आ जाएँ इस्लामियत पाक स्टडी की तरफ। एशियाज लार्जेस्ट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो है इज़ लोकेटेड इन, राइट ऑप्शन इज़ ए, कराची।
when was the Lucknow Pact made between Muslim League and Congress? तो लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 का है. ए ऑप्शन इज राइट. आर्मी डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल इज लोकेटेड इन छोर कैंट हैदराबाद. ए ऑप्शन इज राइट. हु वॉज थ्रोन इन टू फायर बाय हिज ऑन पीपल बट डिड नॉट बर्न. तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको आग में फेंका गया था. ए ऑप्शन इज राइट. विच किंग क्लेम टू हैव द पावर ओवर लाइफ एंड डेथ एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम. तो राइट ऑप्शन इज नमरूद. तो ये थे हमारे इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. कहीं पे कोई क्वेश्चन अगर मैंने गलत बता दिया हो आंसर उसका, तो उसको ठीक कर लीजिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में.